హే ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు కావ్య. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఆశిస్తున్నాను మీరందరూ చాలా హ్యాపీ అండ్ హెల్దీగా ఉన్నారని. సో ఫ్రెండ్స్, మేనే కహా కి మే హూ కావ్య, వెల్కమ్ కర్తీ హూ ఆప్ సభీ కా. ఆశా కర్తీ హూ ఆప్ సభీ హ్యాపీ ఆర్ హెల్దీ హోంగే. సో మేరే కుచ్ వ్యూవర్స్ కి రిక్వెస్ట్ థీ కి ముజే మేరే లాంగ్వేజ్ మే ఉన్కో మేరీ వాయిస్ సున్నీ హై. సో మేనే ట్రై కియా హై, తో ఆప్కో కేసా లగా ముజే జరూర్ బతాయియేగా. సో ఫ్రెండ్స్, ఆజ్ కా వీడియో హై కి మేనే పిచ్లే వీడియో మే కహా థా కి మేనే కుచ్ చేంజెస్ యా కుచ్ బన్వాయా హై మేరే గార్డెన్ కే లియే. తో మేనే సోచా ఆజ్ మే ఆప్కే సాథ్ షేర్ కర్ లేతీ హూ, క్యూంకి కాఫీ లంబా గ్యాప్ హో గయా హై, మేనే కాఫీ టైమ్ సే వీడియోస్ నహీ బనాయే హై. సో ఫ్రెండ్స్, కాఫీ బిజీ చల్ రహీ హూ, సో మే వీడియోస్ నహీ బనా పా రహీ హూ, తో సారీ కహనా చాహూంగీ. ఔర్ మే ట్రై కర్తీ హూ కి కుచ్ వీడియోస్ బనాఊ, బట్ బిల్కుల్ టైమ్ నహీ మిల్ రహా హై. బట్ మే ట్రై కర్తీ రహూంగీ కి మే జల్దీ జల్దీ వీడియోస్ అప్లోడ్ కరూ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆప్ సభీ మేరా వెయిట్ కర్తే హో. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन का एक नया लुक, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे मेरे गार्डन का थोड़ा लुक चेंज करना है. सो अब दिवाली आने वाली है, सो मैंने सोचा कि चलिए अब सही टाइम आ गया है मुझे अपने गार्डन को एक नया लुक देने का. अभी भी काफ़ी काम बाकी है फ्रेंड्स, मतलब ये कम्प्लीट लुक नहीं है मेरे गार्डन का, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं अभी आपके साथ एक लुक शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया या एक मिल जाए कि पहले कैसा मेरा गार्डन था, अब कैसा है, और अब और कुछ चेंजेस करूँगी उसके बाद मेरा गार्डन कैसा लगेगा. तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन का लुक. उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए मेरे फ्लावर्स का. तो काफ़ी अच्छे ब्लूम्स हो रहे हैं, और ये है एलिमेंडा, तो ये भी ब्लूम करना स्टार्ट कर चुका है. इसकी कलियाँ देखिए कितने बड़ी है, और एलिमेंडा को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं टच करती हूँ तो ये मेरे हाथ में आ जाता है. अब प्रॉब्लम है या प्यार है पता नहीं, बट हमेशा ही येलो एलिमेंडा के साथ भी यही होता था, और देखिए इसके साथ भी यही प्रॉब्लम या प्यार कह सकते हो आप. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन का नया लुक. सो फ्रेंड्स, मैंने बनवाया है मेरे गार्डन के पॉट के लिए स्टैंड बनवाया है. तो मैंने बनवाए हैं पूरे 5 स्टैंड, जिसमें से मैंने 3 जो बनवाए हैं स्टेयर टाइप बनवाया है, यानी 2 स्टेप वाला मैंने 3 स्टैंड बनवाया है, और एक सिंगल स्टेप वाला सिंगल एक स्टैंड बनवाया है 2. सो कुल मिला के 5 स्टैंड मैंने बनवाए हैं, और आप देख सकते हो मैंने पॉट्स भी अरेंज कर लिए हैं. काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स जब पॉट्स को अरेंज करना होता है, तो बहुत ही टाइम लगा मुझे इन्हें अरेंज करने में, बट अभी भी मैं नहीं कह सकती ये फाइनल लुक है, क्योंकि मुझे अभी पॉट्स को कलर भी करना है. बट मुझे स्टैंड पे लगा कर देखना था कि मेरे पॉट्स सही लगते हैं या नहीं, या जितने पॉट्स मेरे हैं उतने वो आते हैं या नहीं. तो अभी तक के जितने मेरे पॉट्स हैं, देखिए अभी भी कुछ पॉट्स हैं नीचे, तो वो तो आ चुके हैं, बट ये लुक है मेरे गार्डन का अभी. सो ये है सिंगल स्टेप स्टैंड, और देखिए मेरे गार्डन में गंदराज खिला है आज, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली खिल रहा है फ्रेंड्स. इस प्लांट पर काफ़ी अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं. अभी देखिए और भी कलियाँ आ रही है. तो ये है सिंगल स्टेप का स्टैंड. तो मैं आपको सारा कुछ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कि मैंने किस हाइट में या कितने विड्थ में या कितना प्राइस हुआ है मेरे स्टैंड का, ये सारा कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो ये है मेरा पहला सिंगल स्टेप का स्टैंड. तो देखिए काफ़ी पॉट्स आ गए हैं, और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का लैंटेना का प्लांट, और काफ़ी अच्छी ब्लूम कर रहा है ये. सो ये है फ्रेंड्स मेरा थर्ड 2 स्टेप वाला स्टैंड. तो इस पर भी काफ़ी सारे पॉट्स आ गए हैं, और अच्छी तरह से सारे पॉट्स आ गए हैं फ्रेंड्स. अब थोड़ा ट्रिकी होगा मुझे कलरिंग करने में पॉट्स में, क्योंकि मुझे एक एक पॉट उतार कर मुझे कलर कर फिर उसको अरेंज करना होगा. बट मैंने जैसा सोचा था स्टैंड वैसे ही मुझे हेल्पफुल हो गए हैं, तो अब क्लीनिंग में मुझे काफ़ी आसानी होती है. तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से पॉट्स आ गए हैं स्टैंड पर. सो फ्रेंड्स, ये है मेरा 5th स्टैंड. सिंगल स्टेप के मैंने 2 बनवाए थे स्टैंड, तो ये मेरा 2nd सिंगल स्टेप का स्टैंड है.
आप अगर बड़े पॉट्स रखते हो स्टैंड पर तो कम पॉट्स आएंगे, अगर आप छोटे साइज़ के पॉट्स रखते हो स्टैंड पर तो काफ़ी सारे पॉट्स आएंगे। सो गार्डन में एक ब्यूटी स्पॉट होना चाहिए, तो मेरा गार्डन का ब्यूटी स्पॉट है ये, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। स्टैंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ये स्टैंड बनवाना है और एट लास्ट मैंने बनवा लिया है। तो ये है मेरे गार्डन का ब्यूटी स्पॉट, यानी एक बहुत ही अलग सा ब्यूटीफुल सा पॉइंट है जहाँ देखकर मन को शांति भी मिलती है और लगता है कि हाँ गार्डन में कुछ अलग ब्यूटी है। सो फ्रेंड्स, गार्डन में जब मेरे घर में आप एंटर करोगे तो मेरा गार्डन कैसा लगेगा उसका भी एक छोटा सा लुक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो मेरे पॉट के स्टैंड पर। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये गार्डन का लुक कैसा लगा और मेरा जो गार्डन का ब्यूटीफुल सा जो स्पॉट है वो भी कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी Be strong. Bye, friends.